तो उसको देखते हैं। उसमें आपको दिया गया है कि साइन टू ए, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर थ्री जो है, साइन साइन टू ए, ठीक, साइन टू ए इज इक्वल टू टू साइन ए, टू साइन ए, तब आपको बताना है कि ए किसके बराबर होगा। तो आपको बताना है कि ए की वैल्यू क्या है या ए का मान क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये एग्ज़ाम में, ठीक, तो इसको ध्यान रखना, क्योंकि ये इसका एक फार्मूला होता है, वो कहें तो आपकी बुक में कहें तो दिया नहीं है, ठीक है, लेकिन वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आइए इसको हम देखते हैं क्या होता है सॉल्यूशन में। अब आपको सिर्फ एक चीज़ नोट करनी है यहाँ पर, कि यहाँ पर जो साइन टू ए, यानी कि इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपका साइन टू ए का एक फार्मूला होता है, टू साइन ए डॉट कॉस ए, ठीक है। ये आप जब फर्स्ट ईयर, मतलब कक्षा 11th में जब आप आओगे, तो ये क्वेश्चन, ये आपको फार्मूला बहुत देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन हाई स्कूल में केवल इसको एक ही बार यूज़ किया गया है आपकी बुक में, ठीक है, अकॉर्डिंग आपकी बुक, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी कि साइन टू ए के स्थान पे हमें क्या रखना है, टू साइन ए डॉट कॉस ए, यानी कि इसको हमें पुटअप यहाँ करना है किसके स्थान पे, साइन टू ए के स्थान पे। तो इसको कहते हैं साइन टू के स्थान पे, सिंस टू साइन ए डॉट कॉस ए इज इक्वल टू टू साइन ए, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब आपको पता है ये सब मल्टीपल में है, तो ये जो चीज़ है इसको अगर हम उधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में जाएगी, तो यहाँ बचेगा केवल कॉस ए, ठीक है, कॉस ए टू साइन ए, और ये जो आपका टू साइन ए है इसको हम कहाँ करते हैं, नीचे लेके जाते हैं इसको, तो टू साइन ए नीचे आ गया, ठीक है। इससे टू से टू कैंसिल हो जाएगा, साइन ए से साइन ए कैंसिल, तो यहाँ बचेगा केवल वन, तो कॉस ए इज इक्वल टू वन, ठीक है, ये बचेगा आपका। अब हम जानते हैं कॉस ए जो है वो वन के इक्वल है, और कॉस की जो वैल्यू होती है वन, वो कितने पे मिलती है हमें, कॉस 0 डिग्री पे, कॉस की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वन होती है आपकी, ठीक है। तो कॉस ए बराबर आपका हो जाएगा ये कॉस 0, क्या होगा, कॉस 0, हम जानते हैं कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वन होती है, ठीक है। तो वन की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब बिकॉज ये दोनों क्या है, फंक्शन है, ये फलन होते हैं, ठीक है, कहें तो इसको आप कभी कैंसिल करते हुए नहीं दिखाओगे इस टाइप से, ठीक है, ये गलत है, इस ये जो तरीका होता है ये गलत होता है। केवल आप क्या करोगे, कंपेयर करने पर, या कहें तुलना करने पर, ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हो लाइन, तुलना करने पर, तुलना करने पर। एक चीज़ का ध्यान रखना आपको, दोबारा से फिर से एक बार रिपीट करें, कि ये यहाँ पर आप इस टाइप से साइन नहीं दिखाओ कट करते हुए, कि ए सीधे 0 के इक्वल आ गया, ठीक है, ये गलत तरीका होता है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, केवल तुलना करने पर, और आपको सीधे लिख देना है कि जो ए की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जानी है, 0 डिग्री के, यानी यहाँ कहें हम, यहाँ पर जो ए की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 डिग्री होगी, ठीक है। तो ये आप आसानी से कर पाओगे, और ये जो भी आपका टिक हो, आपके जो ऑप्शन हो, 4 में से 1 ऑप्शन आपको मिलेगा, तो वो आप टिक कर सकते हो, और आपको आंसर मिल जाना है, ठीक है, ठीक है। अब इससे अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है उसे भी हम देखते हैं। तो इससे अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये जो दिया हुआ है, इसके लिए अब हम बात करें, तो ये आपको दिया हुआ है 2 tan 30, 2 tan 30 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, ये आपको दिया गया है 2 tan 30, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। इसको आपको बताना है कि सॉल्व करके क्या मान आएगा इसका, तो उसको भी हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन में। आप देखिए इसको, अगर आप जैसे ये दिया हुआ है 2, 2 तो आपको पता है सेम ही रहना है, मल्टीप्लाई। अब आती है बात 10 30 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, तो 10 30 की वैल्यू आप जानते हो 1/3 क्या होती है, अंडर रूट 3 होती है, ठीक है।
डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका वन माइनस, ठीक, टेन स्क्वायर थर्टी। टेन स्क्वायर थर्टी आप जानते हो, यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है केवल, तो टेन थर्टी के बाद हम जानते हैं वन अपॉन कितनी होती है, अंडर रूट तीन होती है, और बिकॉज इसका स्क्वायर है तो हमें इसका भी क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लिखें तो टू से मल्टीप्लाई आप करोगे तो वन ऊपर जाएगी, तो दो एकम दो बट्टे अंडर रूट तीन, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो ये आपका हो जाएगा, इसको सॉल्व करें तो वन माइनस वन का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट थ्री का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़। अब आप क्वेश्चन ही सेम है, अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको स्क्वायर करना है हमें, तो स्क्वायर करते हैं तो होगा क्या, अगर इसका स्क्वायर हम करते हैं तो यहाँ पर यहाँ केवल थ्री बचेगा, ठीक है, यहाँ आप समझ सकते हो स्क्वायर से ही क्या हो जाता है, अंडर रूट हट सकता है, ठीक है, हटा सकते हो आप, ठीक है, तो बचेगा क्या आपका, टू अपॉन अंडर रूट थ्री, ठीक, और नीचे आपका बचेगा वन माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है, वन होता है, अब स्क्वायर से अंडर रूट हटा दिया हमने तो क्या बचा होगा, केवल थ्री बचा होगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक, तो आगे सॉल्व आप करोगे तो टू अपॉन अंडर रूट थ्री आपका ऐसे रहना है, ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो तीन एकम तीन, तीन माइनस एक बट्टे तीन, नीचे का जब आप एलसीएम लोगे इनका, ठीक है, तो तीन ही एलसीएम मिलना है आपको, ये तीन है वही आपको एलसीएम मिलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीन एकम तीन, तीन माइनस वन, तीन माइनस वन, तो आपका ये इस टाइप से कुछ आएगा, ठीक है। और इसको आप जब लिखोगे तो ये होगा टू अपॉन अंडर रूट थ्री, ठीक, और इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका, दो तीन में से एक जाएगा दो बचेगा आपका, दो बट्टे तीन, ठीक। अब आपको पता है ये नीचे वाली संख्या ऊपर पहुंच जानी है और ये चीज़ इसके साथ आ जानी है, ठीक है, ये हम पहले भी कर चुके हैं इस टाइप से, तो ये हो जाएगा टू अपॉन अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई आप लिखोगे इसको तो ये हो जाएगा आपका, जब पलटेगा तो ये कितना होगा, थ्री अपॉन टू, ठीक, टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। और थ्री को आप क्या लिख सकते हो, ये चीज़ हम पहले भी लिख सकते हैं, थ्री को हम लिख सकते हैं थ्री अंडर रूट थ्री लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, थ्री की जगह पे अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई अंडर रूट थ्री अपॉन अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री से एक अंडर रूट थ्री कैंसिल हो जाना है, तो ये बचेगा आपका अंडर रूट थ्री। ये चीज़ आपको पता है, क्योंकि हम इसको क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की यदि हम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये नाइन, और नाइन का वर्गमूल कितना होता है, तीन होता है, ठीक है, ये चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चनों में, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये क्या आ गया आपका, अंडर रूट थ्री आया है, ठीक है। अब इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आपको आपको चार ऑप्शन दिए होंगे, अगर आपको अंडर रूट थ्री दिया हुआ है अगर आपको ऑप्शन में ही, तो आप उस पर टिक करोगे, यदि आपको वो नहीं दिया हुआ है तो ये जो वैल्यू होती है, अगर आपको ध्यान हो, टेन 60 डिग्री की होती है, अगर आपको कहीं ऐसा मिले लिखा हुआ तो उस पर टिक करोगे तो आपका आंसर ये बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन भी उठाते हैं। अगला क्वेश्चन एक आपको दिया है इसका एक्सरसाइज का, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो काफ़ी बार आया हुआ अभी क्वेश्चन है, यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक। यदि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप पूछ सकते हो कमेंट करके, ठीक है, कोई दिक्कत आती है तो आपको, इसको हम रफ कर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या होता है, अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर थ्री है जो इसमें दिया हुआ है आपकी बुक में, तो ये नया क्वेश्चन है आपके लिए और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक, अच्छे तो सभी हैं, ठीक है, अब वो तो आपकी पसंद है, ठीक है, कि आप कितने अच्छे से पढ़ते हो और कितने अच्छे से उसे कर पाते हो, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया क्या है कि यदि आपको ये इक्वेशन दी हुई हैं आपको कि यदि टेन ए प्लस बी, अगर आपको बोल रखा है कि टेन ए प्लस बी, क्वेश्चन नंबर थ्री है ये, और आपको दिया है कि टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको अंडर रूट थ्री, ठीक है, और इसके साथ साथ एक और दिया गया तथा दूसरी एक इक्वेशन आपको दी गई है,
वो है आपकी टेन ए माइनस वी, टेन ए माइनस बी, ठीक है। टेन ए माइनस बी बराबर आपको दिया गया है एक बट्टे अंडर रूट थ्री, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो आपसे पूछा क्या गया है कि यदि आपको ये दो इक्वेशन दी गई हैं तो उस कंडीशन में आप ए और बी की वैल्यू निकालिए, यानी कि ए का मान क्या होगा और बी का मान क्या होगा। अगर उस कंडीशन आपको क्या निकालना है कि ए का मान क्या होगा और बी का मान क्या होगा, ठीक है, ये चीज़ आपको ज्ञात करनी है। उसके साथ साथ आपको कंडीशन भी दी गई है यहाँ पर। कंडीशन क्या है कि ए और जो वी की वैल्यू होंगी वो हमेशा 90 से कम होनी चाहिए और 0 डिग्री से एबव होनी चाहिए, ठीक है। एबव मतलब ऊपर होनी चाहिए, 0 से कम ना हो और 90 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें करना है क्या, अगर आपको अगर इसे लिखें हम, इसका मीन्स क्या है, इसको हम मिटा देते हैं। आपको पता ही है प्रश्नावली तो 8.2 है ये, तो इसको हम सब कर देते हैं। तो इसको जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन दोनों की जो वैल्यू है 0 डिग्री से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, ग्रेटर होनी चाहिए। ए प्लस बी का जो मान होगा ए से मतलब 0 से बड़ा हो और 90 से क्या हो, छोटा हो, 90 डिग्री से क्या हो ये, छोटा हो। तो हमें ये चीज़ हमें निकालनी है, ठीक है। क्या बोला गया है एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। आपको दो इक्वेशन दी गई हैं, टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री, ठीक है। अगली इक्वेशन दी गई है टेन ए माइनस बी, ठीक है, बराबर एक बट्टे अंडर रूट थ्री, ठीक है। तो इन दोनों समीकरणों को हमें करना है क्या है, आपस में सॉल्व करना है और आपको बताना है कि ए और बी का मान क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। ए का मान क्या होना है और बी का मान क्या होगा। साथ साथ कंडीशन भी है आपको दी गई है कि ए और बी का मान जो आएगा वो 0 से बड़ा आना चाहिए और 90 अंश से छोटा आना चाहिए, ठीक है। उस कंडीशन में हम करते हैं इसे तो क्या निकल के आएगा, ठीक है, अब देखते हैं इसे सॉल्व करके, जो भी आता है वो आपके सामने ही आएगा, ठीक है। तो पहली इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं कि टेन ए प्लस बी, चलो इसको हम नीचे ही करते हैं वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इसे इक्वेशन एक बना देते हैं, इक्वेशन वन, इसे इक्वेशन टू, ठीक है, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू। तो हम समीकरण एक से पहले काम करते हैं, समीकरण एक से, ठीक है, समीकरण एक से। तो समीकरण एक से आप देखोगे क्या होगा यहाँ पर, टेन ए प्लस बी, ठीक, इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट टेन ए प्लस बी। और यदि आपको ध्यान हो टेन में अंडर रूट थ्री की जो वैल्यू होती है वो टेन 60 की वैल्यू होती है या टेन 60 की वैल्यू होती है, कितने की, टेन 60 की। तो इसको हम लिख सकते हैं टेन 60 यहाँ पर, है ना। अब आपको पता है दोनों साइडों में टेन टेन है, तो यहाँ पर टेन से टेन क्या हो जाने हैं, फलन है, तो कैंसिल हो जाने हैं, ठीक है। लेकिन आप कैंसिल करते हुए नहीं दिखाओगे, केवल एक लाइन लिखोगे, आप क्या लिखोगे, तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर आप लिखना चाहते हो। तो यदि आप वो भी नहीं लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है उसके लिए, तो आप सीधे लिख सकते हो इसको। इसलिए आपका ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 60 डिग्री के, यानी कि इसके इक्वल आ जाना। ये इक्वेशन नंबर आपकी नेक्स्ट मान लेना, इक्वेशन नंबर एक दो हो गई है, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर तीन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता, ऐसा कर सकते हैं हम, ठीक है। अब क्या कहते हैं, समीकरण दो से सेम काम, समीकरण दो से भी हमें करना होगा, तो समीकरण दो से करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये समीकरण दो से इक्वेशन आपके सामने दी गई है, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन ए माइनस बी वन अपॉन अंडर रूट थ्री, ठीक। तो हम जानते हैं अब टेन में वन अपॉन अंडर रूट थ्री कितने की वैल्यू होती है, इम्प्लाइज दैट अगर हम लिखें टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट थ्री, ये होती है आपकी टेन थर्टी की वैल्यू, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी देखो, ये वन अपॉन अंडर रूट थ्री किसकी होती है, टेन 30 की वैल्यू होती है, या कहें टेन 30 की वैल्यू होती है, दोनों साइडों में टेन टेन है, दोनों कैंसिल हो जाने हैं, ठीक है। तो फिर से आपका क्या बचेगा यहाँ पर, तो ये बचेगा आपका ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। टेन ये है और ये टेन क्या हो जाने हैं आपस में, गायब हो जाने हैं, ये टेन और ये टेन क्या हो जाने, गायब होने, तो बचेगा क्या, ए प्लस बी
ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्या बचना है 60, ठीक है, या 60। नीचे आपका ए माइनस बी बराबर 30 बचेगा, इक्वेशन नंबर ये नेक्स्ट बन जानी है आपकी इक्वेशन नंबर, इसे सपोज मान लेते हैं 4, ठीक है। अब ये इक्वेशन हम बहुत आसान है, आप ये पहले भी करके आ चुके हो कि इन दोनों इक्वेशन को हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इनको आइए सॉल्व करते हैं और उससे हम ए और बी की वैल्यू निकालते हैं, क्या निकल के आएंगी, ठीक है। ठीक है, इसके नीचे ही करते हैं फिर, अभी स्पेस है थोड़ा। समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर, जोड़ क्यों रहे हैं इसका मतलब आप सोचते होंगे जोड़ क्यों रहे हैं, तो जोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ए, यहाँ पर भी ए है, दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन एक जो पद है बी, यहाँ पर क्या है माइनस का बी है, तो बी एक माइनस है और यहाँ पर ये प्लस है, तो दोनों आपस में क्या हो जाने हैं, जब जोड़ेंगे हम तो ये पद ये पद से क्या हो जाना है, कैंसिल हो जाएगा आसानी से, ठीक है। तो आपका जो ए होगा, ए ए आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जैसे अब यहाँ पर नीचे आप देखोगे तो इसको हम लिखेंगे सिंस ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर साइन चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, जब जोड़ते हैं तो साइन चेंज नहीं होंगे, यदि आप माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा और ए ए मिल के क्या हो जाएगा 2a, क्या होगा 2a। अब 60 ये है, 30 ये है, तो टोटल कितना हो जाएगा, क्योंकि हम जोड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये तो होगा 90 हो जाएगा। अब इसको हम ऊपर का थोड़ा रफ कर देते हैं या मिटा देते हैं, ठीक। तो ये आपका क्या बन के आएगा, यहाँ से यहाँ इनको हम मिटा देते हैं, ठीक है, या आप ऊपर की पहले नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि स्पेस अब नहीं है इतना। तो 2a इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, 2a बराबर 90 डिग्री, और यहाँ से आप यदि निकालते हैं a की वैल्यू तो कितनी आ जानी है, ये 90 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 2 से आप इसको भाग करोगे तो क्या आएगा आपका, 2 चौक 8, यहाँ पर क्या बचा, 2 चौक 8, तो 1 बचा 10 हो जाएगा यहाँ पर, है ना, 1 यहाँ का और 0 इधर, 10 और 2 पंजे 10, तो यानी कि 45। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 45, ठीक है। तो a का मान हमें कितना मिला, 45 मिला है। अब ये मान हम किस में रख दें, चाहे तो हम समीकरण 3 में रखें या समीकरण 4 में रखें, आपको वैल्यू मिल जानी है किसी में, चाहे रख दो, चाहे समीकरण 3 या समीकरण 4। तो हम किस में रखते हैं, समीकरण, ठीक है, इसी में रखते हैं, समीकरण 3 में, ठीक है। नीचे का हम रफ कर देते हैं, तो समीकरण 3 में यदि हम रखते हैं तो क्या होगा, समीकरण 3 से समीकरण 3 से आपको देखने को मिलेगा ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 45 निकाली हमने अभी, तो 45 प्लस बी बराबर 60, ठीक। तो बी आपका यहीं रहना है, तो 60 यानी 60, 45 को आप उधर लेके जाओ तो माइनस का कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक। तो बी बराबर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 60 में से आप 45 को हटाओ कितना आएगा, 15 आएगा या 15 आएगा, 15 डिग्री, है ना, तो ये आ गया आपका 15 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ए की वैल्यू 45 है और बी की वैल्यू कितनी है, 15 है, यानी कि 15 डिग्री है। और अब जो कंडीशन हमें दी गई थी, नीचे हम रफ कर देते हैं, ठीक है, आप उसको नोट कर लीजिएगा। अब हमें जो कंडीशन दी गई थी, वो कंडीशन क्या इनसे संतुष्ट हैं या नहीं है, तो उसको भी हम चेक करते हैं कि कंडीशन जो हमें ऊपर दी गई थी वो मतलब संतुष्ट हैं या नहीं है। उसके लिए क्या है कि उसने क्वेश्चन ने क्या बोला था कि ए और बी की जो वैल्यू होंगी वो 0 से तो बड़ी होनी चाहिए, 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, बट 90 से क्या हो, छोटी हो। तो हम यहाँ पर अगर करते हैं काम, अगर हम इससे कंपेयर करें तो यहाँ पर 0 ठीक हो गया, ठीक, अपनी जगह है ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 45 निकल के आई है, तो 45 है, ठीक, प्लस बी की वैल्यू कितनी है आपकी, 15 डिग्री है, ठीक हो गया। तो इन दोनों की वैल्यू जो भी है वो आपके 90 से कम होनी चाहिए, ये तो क्वेश्चन है आपका, कंडीशन ये हमें अप्लाई करनी थी, तो इससे हम करते हैं।
तो जीरो से ये ग्रेटर, क्योंकि हम जानते हैं 45 और 15 का योग करो, योग यानी कि जोड़े, तो कितना आएगा 60 आएगा, कितना आएगा 60 डिग्री। तो हम जानते हैं 60 क्या होता है, जीरो से बड़ा होता है, बट 90 से क्या होता है छोटा होता है, 90 डिग्री से क्या होता है छोटा होता है। यस और नो? यस, ठीक है। तो यहाँ पर आसानी से हम इस चीज़ को कर सकते हैं। तो आपके यहाँ पर दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं, संतुष्ट हो रही हैं। तो यानी कि ये जो आपने आंसर निकाले हैं बिल्कुल क्या है, करेक्ट हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा, मतलब कहें तो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और आपके जो कहें तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मतलब पूछे भी जाते हैं। और इस वीडियो में हम यहीं तक करते हैं। यदि आपकी कोई क्वायरी है या कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, ठीक है। हम आपके मतलब क्वेश्चन जो होगा जल्दी से जल्दी आपको सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे, और आपको रिप्लाई देंगे उसके अंदर, ठीक है। मतलब आपको भेज देंगे सॉल्व करके जो भी आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।